नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। सेब से लाल हुई सोलन सेब मंडी। सोलन में शून्य के बराबर सेब के उत्पादन के बावजूद हिमाचल की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार परवाणू और सोलन की मंडी में सेब ने दस्तक दे दी है। खरीदार भारत के कोने कोने से सोलन का रुख करने लगे हैं। शुरुआती तौर पर बागवानों को सेब के दाम बेहद ही अच्छे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक और बागवान खुश नजर आ रहा है। वहीं आढ़तियों के चेहरे पर भी रौनक साफ देखी जा सकती है। हालांकि सोलन की सेब मंडी में परवाणू की तुलना में 50% सेब की पेटियां कम पहुंची है, लेकिन फिर भी सोलन की सेब मंडियों में खासी रौनक दिखी जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने बताया कि सोलन में सेब नाम मात्र के लिए ही पैदा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन की सेब मंडियों में हिमाचल की कुल फसल का 40% व्यापार सोलन की मंडियों से ही होता है। उन्होंने बताया कि अभी तक सोलन की मंडी में 1 लाख के करीब और परवाणू की मंडी में करीब 1.5 लाख सेब की पेटियां पहुंच चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सोलन में हर वर्ष करीबन 35 लाख सेब की पेटियों की खरीद फोक्त होती है। अभी तक सबसे ज्यादा सेब की पेटी 2500 रुपए तक बिकी है, जिसकी वजह से बागवानों के चेहरे खिले हुए हैं और वह इस बार अच्छे मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। सोलन जिला है, यहाँ सेब का उत्पादन बिल्कुल शून्य के बराबर होता है, लेकिन हमारी एपीएमसी की ये बहुत बड़ी सफलता है कि हम प्रदेश के लगभग 30-35% जो सेब है उसका व्यापार हम यहाँ करते हैं। और उसके लिए हमारे दो मंडियाँ हैं, परवाणु है और सोलन है। परवाणु में अब तक 1,53,000 बॉक्सेज आ चुके हैं, जबकि सोलन मंडी में 95,000 बॉक्सेज का व्यापार आज तक सेब का हो चुका है। और जहाँ तक इसकी रेट की बात है, तो आज का रेट 600 पैसे लेके 25 रुपए तक रहा है सेब का प्रति बॉक्स। और अगर इसकी तुलना पिछले वर्ष के व्यापार से करें तो लगता है कि उत्पादन भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और किसानों को, बागवानों को रेट भी अच्छे मिल रहे हैं। सोलन से अमरप्रीत पुंज की रिपोर्ट।